पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा ने पूर्णिया में बढ़ते अपराध पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि अपराधियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। हालांकि इस दरमियान उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो साजिश के तहत पूर्णिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सफल नहीं होंगे। पूर्णिया सांसद ने इस दरमियान कहा कि कुछ निकम्मे पुलिसकर्मी पूर्णिया में हैं, जिनके कारण आपराधिक घटनाएं लगातार घट रही हैं, और उनमें सुधार लाने के लिए उन्होंने बिहार के DGP से भी बातें की है और बहुत जल्द इस संदर्भ में निकम्मे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस दरमियान पूर्णिया सांसद ने पूर्व सांसद उदय सिंह पप्पू सिंह के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि वे विपक्षी की तरह अपना बयानबाजी दे रहे हैं, जबकि उनके कार्यकाल में ही लोकप्रिय विधायक अजय सरकार की हत्या हुई, साथ ही ऐसी कई अपहरण की घटनाएं हुई हैं जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। पूर्णिया सांसद ने कहा कि अगर उस कार्यकाल को देखा जाए तो वर्तमान समय में बहुत कम घटनाएं घटी हैं। कि अपराधी चाहे जो भी हो, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, और शहर में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। और आज इस तरह की घटनाएं शहर के अंदर में निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और हम सभी दुखी भी हैं इस घटना से। और रात की घटना में सूचना मिलने के तुरंत बाद हम लोग मैक्स अस्पताल में भी गए, और सुबह फिर शहर के अंदर में दूसरी घटनाएं भी घटी हैं। उसके बाद बिहार के DGP साहब से लंबी बात हुई है विधि व्यवस्था पे, और DGP साहब आश्वस्त किए हैं कि पूर्णिया की विधि व्यवस्था को हर हाल में सुदृढ़ किया जाएगा, और जो निकम्मे पुलिस पदाधिकारी हैं उस पर भी कार्रवाई का भरोसा दिया है। साथ ही ২০০৫ में आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जब से सरकार बनी 2005 से बिहार में अपराध पे अंकुश लगा, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया, और बिहार में सुशासन का राज स्थापित हुआ। और 2005 के बाद पूरे बिहार में अपराध का ग्राफ काफ़ी तेजी से घटा, चाहे हत्या हो, लूट हो, अपहरण हो, बलात्कार हो, सभी तरह की घटनाओं में काफ़ी कमी आई। और यहाँ के पूर्व सांसद के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि 2004 के बाद पूर्णिया में अपराध नहीं हुआ। हम पूछना चाहते हैं कि शहर के लोकप्रिय विधायक राजकिशोर केसरी की हत्या कब हुई, और इस हत्या के पीछे कौन है, जो आज भी पहेली बनी हुई है। रुपोली क्षेत्र के विधायक बीमा भारती जी के सास और ससुर की हत्या किसने किया, उसको कौन संरक्षण दे रहा है, और वो हत्यारा किसके आजू बाजू में आज भी बैठता है, ये पूरे जिले के लोग जानते हैं। गुलाबबाग के एक व्यवसायी अशोक बिहानी के पुत्र का अपहरण किसके नेतृत्व में, कौन उस वक्त में पूर्णिया के सांसद थे। भट्टा बाजार में गणेश स्टोर के पोते का अपहरण, मुदित अपहरण कांड, वो किसके कार्यकाल में हुआ। और इस तरह के एक सामाजिक कार्यकर्ता अशोक मित्रा की हत्या होती है, उस वक्त में कौन सांसद थे। घटनाएं घटी है, हम लोग दुखी हैं, और शासन और प्रशासन लगा हुआ है। नीतीश कुमार का सुशासन है, किसी को छूट नहीं मिलेगा।
चाहे वो सांसद का बेटा हो, चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे विधायक का बेटा हो, इस सुशासन में अगर विधायक गड़बड़ किया है तो उसे भी जेल जाना पड़ा है। सुशासन की सरकार है, अगर सुशासन में एमएलसी गड़बड़ किया है उसे भी जेल जाना पड़ा है। चाहे वो सांसद का परिवार हो, चाहे मंत्री का परिवार हो, जो भी गड़बड़ किया है, हमारी सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता है और उसको जेल जाना पड़ता है। कानून का राज है और अपराध पूर्णिया में हुआ है, इसमें भी कोई नहीं बख्शे जाएंगे। जो भी अपराधी होगा उसको जेल के अंदर में डालो, बिना जेल भेजे हुए हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, उस पर कानूनी कार्रवाई कराए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। आप लोग इत्मीनान रखिए, आप सबों से भी अपील हम करना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन को सहयोग करिए और पूर्णिया वासियों से भी हम अपील करना चाहेंगे कि आप लोग इसमें सहयोग करिए और सही सूचना प्रशासन को दीजिए ताकि आपको मदद हो सके। हम लोगों तक सही सूचना पहुंचाइए जो हम आपको मदद कर सकें। और पूर्व सांसद से भी हम आग्रह करेंगे कि दिल्ली में बैठ के वहाँ से पूर्णिया के पारासुख से पूर्णिया की राजनीति मत करिए, धरातल पे आके करिए। और जो विधि व्यवस्था में अगर आपको भी कुछ सूचना मिलता है आप भी सहयोग करने का काम करिए। आप एनडीए के अंग हैं और विरोधी की भाषा मत बोलिए, और आप सरकार के अंग हैं, एनडीए के अंग हैं, और आप भी आपको जो सूचना मिलता है उसमें समर्थन करिए और प्रशासन को मदद करिए ताकि अपराध को मिटाया जा सके। अपराध पे कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, कोई दलगत बात नहीं होनी चाहिए। अपराध समाज के लिए कोर है, उसमें सबों का सहयोग और की आवश्यकता है अपराध को मिटाने के लिए। और एक बात अंत में कहना चाहेंगे, आज एक पूर्व सांसद का बयान देख रहे थे तो 2004 से लेकर 14 तक जो अपराध का ग्राफ और 14 से लेकर 18 तक अपराध का ग्राफ, आप सभी मीडिया के भाइयों से आग्रह है कि पुलिस कार्यालय से आप निकाल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अपराध 4 से 14 के बीच में कम था कि 14 से 18 के बीच में कम था। ठीक है, कुछ घटनाएं घटी है और इसका उद्भेदन होगा, इसमें कार्रवाई होगी, किसी भी हालत में अपराधी नहीं बख्शे जाएंगे। इसके एसपी से रात में बात हुई है, एसपी से लेकर डीजीपी तक से बात हुई है, और इसके बाद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के इस पर चर्चा करेंगे, पूर्णिया की स्थिति पर चर्चा करेंगे। और जो डीजीपी साहब ने भरोसा दिलाया है कि पूर्णिया में जो घटनाएं घटी इस पर अंकुश लगाया जाएगा, इस पर हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। व्यापारियों का डिमांड है कि पूर्णिया में ऐसे पदाधिकारी आए जो कि काउंटर स्पेशलिस्ट हो, तभी जो अपराध है उस पर नियंत्रण हो सकता है। इसके लिए मैं पहले से मन बना के हम लोग रखे हैं और एक से दो दिन के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के पूर्णिया की वस्तु स्थिति को रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग भी करेंगे, यहाँ के हालात को बताएंगे और उसके अनुकूल और पूर्णिया की व्यवस्था सुदृढ़ करने का तरफ हम लोग काम। आप मानते हैं?